वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISCS ऑनलाइन। हम लोग इसके पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट वन डिस्कस किया है, आज हम लोग पार्ट टू करते हैं। दोस्तों, पार्ट वन में हम लोगों ने जो बक्कल कैविटी जहां से डाइजेशन शुरू होता है वहां से हमने शुरू किया, जिसमें हम लोग टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा, सिलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, फिर ओएसोफेगस के बारे में पढ़ा। अब ओएसोफेगस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ओएसोफेगस है दोस्तों, ओएसोफेगस यानी कि हम इसे ग्रास नलिका या ग्रास नाल भी कहते हैं। तो अब खाना जो है हमारा, जो बोलस है, ये ओएसोफेगस से होके स्टमक में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखें क्या थे कि बक्कल कैविटी में पीएच का मान कितना था। बक्कल कैविटी में यहां पे पीएच का मान था 6.8, जो स्लाइटली एसिडिक था। लेकिन जब खाना स्टमक में आ गया, खाना आमाशय में आ गया, स्टमक में आ गया, इसको कहते हैं दोस्तों स्टमक का शेप जे शेप होता है, जो पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं मैं इसका। तो स्टमक में HCl होता है दोस्तों। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के ऑक्सेंटिक या इसको पेराइटल भी कहते हैं, पेराइटल सेल्स से निकलता है। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, सांद्रित अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो इसका पीएच का मान 1 से 2 होता है, 1 to 2, यानी कि यह हाईली एसिडिक होता है। दोस्तों, तो स्टमक का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो हाईली एसिडिक हो जाता है HCl के कारण। तो बहुत बार ये सवाल पूछा है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये पेट के जो पेप्टिक सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, इस गैस्ट्रिक सेल्स के पेराइटल और ऑर्गेनिक सेल्स का निकलता है। पेराइटल सेल्स और ऑर्गेनिक सेल्स दोनों का एक ही है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेल्स को ही पेराइटल सेल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब खाना जो हमने खाया वो बोलस कहां आ गया? स्टमक में आ गया। स्टमक में जब बोलस HCl के साथ मिल जाता है तो इसे हम लोग काइम कहते हैं, CHYME काइम। ये कहां आता है दोस्तों? स्टमक में। तो स्टमक में बोलस जिसमें HCl मिल जाता है, अब इस स्टेट ऑफ फूड को, यानी कि सेमी डाइजेस्टेड फूड है, थोड़ा सा पच चुका है मुंह में, अब सेमी डाइजेस्टेड फूड है, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक तो फूड हमने देख लिया जो एकदम क्या हो गया, काइम, जो कि हाईली एसिडिक माध्यम में आ गया। अब इस पर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, तो कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं स्टमक से दोस्तों? एंजाइम, तो पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, तीसरा दोस्तों अमाइलेज। ये सारे गैस्ट्रिक सेल्स से निकलते हैं, स्टमक के वॉल्स पे गैस्ट्रिक सेल्स है, उससे क्या निकलते हैं? ये तीन एंजाइम्स निकलते हैं, पेप्सिन, रेनिन एंड अमाइलेज। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग कि स्टमक से ये पेप्सिन, रेनिन और अमाइलेज, ये तीन एंजाइम्स निकलते हैं। अब देखिए, पेप्सिन ये प्रोटीन पे काम करता है, पेप्सिन पी फॉर प्रोटीन। रेनिन स्पेलिंग पे ध्यान देंगे दोस्तों, RE NIN होता है, एक सिंगल NIN होता है, जो कि कहां से निकलता है? किडनी से, यानी सुपरा रेनल ग्लैंड से निकलता है। उसके बारे में हम लोग जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेनिन जो मिल्क प्रोटीन पे काम करता है, किस पे काम करता है? मिल्क प्रोटीन पे काम करता है रेनिन, ये प्रोटीन पे काम करता है पेप्सिन, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं क्लियर करके लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए
आसान हो जाए। पेप्सिन प्रोटीन पे काम करता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन पे काम करता है। दोस्तों यही इसी के कारण कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक, मतलब दही की तरह पेट में दूध का जम जाना, ये रेनिन के कारण होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि छोटे बच्चे जो अगर दूध की उल्टी करते हैं तो दही की तरह करते हैं, फटे हुए दूध की तरह, यानी कि दही की तरह उल्टी करते हैं। दही की तरह उल्टी करने का मतलब यही होता है कि रेनिन के कारण ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है। तो दोस्तों ये सवाल पूछा हुआ है कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब दही की तरह होना, दूध का दही की तरह होना स्टमक में किस एंजाइम के कारण होता है, तो रेनिन की तरह होता है। और रेनिन में हमेशा याद रखना दोस्तों, ये रेनिन में डबल एन एग्जाम होना चाहिए। अगर हिंदी में लिखा हुआ तो कोई स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेनिन ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, रेनिन ठीक है, तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब इंग्लिश के माध्यम से जो बच्चे लिख रहे हैं उनको ध्यान में रखना है, डबल एन वाला हमेशा इसमें स्टमक में याद रखेंगे, एक स्टमक होता है डबल एन होता है रेनिन में, ठीक है। दो किडनी होता है, एक एन होता है किडनी वाले जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। दोस्तों देख लिया हमने रेनिन कर्डलिंग ऑफ मिल्क होता है। अब देखते हम लोग अमाइलेज, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है, जो गैस्ट्रिक अमाइलेज भी बोलते हैं। गैस्ट्रिक अमाइलेज मतलब अमाइलेज आपने बक्कल कैविटी में भी पढ़ा था, बक्कल कैविटी से भी अमाइलेज निकलता है और टाइलिन निकलता है। अब इसको चूंकि स्टमक से निकलता है इसलिए क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अमाइलेज कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो एंजाइम्स हैं जो काइम में जो उपस्थित फूड है उस फूड को क्या करता है, फर्दर डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज करता है या फिर एमिनो एसिड में चेंज करता है, एमाइलेज को मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करता है या प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन को भी क्या करेगा आगे पेप्टोन्स में चेंज करता है। मिल्क प्रोटीन का नाम दोस्तों क्या होता है, मिल्क प्रोटीन कैसीन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। तो कैसीन प्रोटीन पे काम करता है कौन, रेनिन और पेप्सिन और जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उस पे काम करता है। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या हो गया, फूड अब कुछ डाइजेस्ट हो गया, पेस्ट की तरह बन गया और क्योंकि इसमें HCl है, HCl होने का बहुत ही फास्ट डिग्रेडेशन होता है फूड का, एकदम पेस्ट की तरह बन जाता है। अब वो पेस्ट की तरह बनने के बाद अब आगे बढ़ता है दोस्तों, अब आगे बढ़ता है, स्टमक सेक्शन खत्म हुआ, अब हम लोग आगे देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए है लेकिन इसका लेंथ होता है 20 फीट। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि इसका जो ल्यूमेन होता है, अंदर जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन उसका लेंथ होता है सिर्फ 5 फीट, लेकिन उसका जो ल्यूमेन होता है, जो अंदर की जो नलिका होती है वो मोटी होती है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम है, ड्यूओडेनम में भी खाने का आगे फर्दर डाइजेशन होगा। इसके साथ ड्यूओडेनम के साथ क्या जुड़ता है, लीवर भी जुड़ता है। आप देखिए दोस्तों ड्यूओडेनम के साथ लीवर जुड़ता है और पेनक्रियाज जुड़ता है, लीवर और पेनक्रियाज जुड़ता है किसके साथ, ड्यूओडेनम। देखिए दोस्तों यहां से यहां तक का जो पार्ट है ये कहलाता है ड्यूओडेनम, ठीक है। ये क्या है, ड्यूओडेनम। अब इस ड्यूओडेनम में फूड आता है, फूड आने के बाद स्टमक से फूड इंटर करता है यहां पे ड्यूओडेनम में। ड्यूओडेनम में अब लीवर है यहां पे दोस्तों, लीवर जो है यहां पे बाइल पोर करता है, बाइल सिक्रेट करता है, बाइल यहां से निकल के ड्यूओडेनम में आता है और इधर से पेनक्रियास से भी निकलते हैं एंजाइम्स। तो देखते हैं जब ड्यूओडेनम हम पढ़ेंगे तो इस दोनों
ग्रंथियों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला लीवर, जिसको लार्जेस्ट ग्रंथि कहते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड। और यहां पे ये क्या करता है, बाइल बनाता भी है और सीक्रेट भी करता है। बाइल मेक, बाइल एंड पोर्स इनटू ड्यूडेनम। ये बाइल बनाता है और ये बाइल को कहां, ड्यूडेनम में डाल देता है। और इस ड्यूडेनम में, इस बाइल का जो पीएच होता है दोस्तों, किसका पीएच ऑफ बाइल, पीएच ऑफ बाइल जो होता है ये 7 से 8 होता है। यानी कि क्या हो गया, बेसिक हो गया। क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब ये बाइल का काम क्या होता है दोस्तों, एक चीज आपने देखा कि अभी तक हमने बात करी किसकी, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की बात करी है, अभी तक हमने फैट की बात नहीं करी है। यानी कि फैट का पाचन अभी तक नहीं हुआ है। अब फैट का पाचन की शुरुआत कहां से होगा, ड्यूडेनम से होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि फैट जो होता है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल में, जैसे तेल पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरीके से जो पेस्ट बना हुआ जिसे काइम कहते हैं, उसके ऊपर भी बड़े बड़े फैट के बूंद, जिसको ड्रॉप्स, फैट ड्रॉप्स उसमें बने रहते हैं। उस फैट ड्रॉप्स पे जैसे ही बाइल मिलता है, वो फैट ड्रॉप्स छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। और उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स चेंज होने के कारण उस फैट के जो ड्रॉपलेट्स है, टोटल सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, जिस पर लाइपेज एंजाइम बहुत ही ज्यादा सक्रिय होता है। और ये लाइपेज निकलता कहां से दोस्तों, लीवर हमने देख लिया। लीवर के बारे में हम लोग फिर से दूसरे वीडियो में, जब हम लोग कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। नहीं तो अभी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बोरिंग भी हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका जो योगदान है उतना ही पढ़ते हैं, और आगे के जो भी उसके फंक्शन है उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बाइल जो है कहां बनता है, बाइल पहले लीवर में बना, लीवर में बनने के बाद ये यहां पे पित्ताशय, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय में जाके ये पित्त एकत्रित होता है और समय समय पर ये क्या करता है, ड्यूडेनम में छोड़ते रहता है जब जब आवश्यकता होती है। तो ये बाइल कहां चला गया, ड्यूडेनम में आ गया, ड्यूडेनम में आके फैट ड्रॉपलेट्स को क्या कर दिया, छोटे 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 टुकड़ों में बांट दिया। अब पेनक्रियास का रोल आता है दोस्तों इसमें, पेनक्रियास, पेनक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड, कहने का मतलब इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है जो कि एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा। और दूसरा होता है इंडोक्राइन पार्ट, जो सीक्रेट करता है हार्मोन, ठीक है दोस्तों, जो सीक्रेट करता है हार्मोन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है दोस्तों। अब इधर देखते हैं, पेनक्रियाज में जो एंजाइम निकलते हैं दोस्तों, वो होता है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन पे काम करता है, ट्रिप्सिन। दूसरा इससे निकलता है अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। तीसरा लाइपेज, जो कि फैट पे काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो नाउ अभी हमने देखा पूरी पाचन प्रक्रिया के दौरान कि फैट का डाइजेशन अभी शुरू हुआ है, कहां शुरू हुआ, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में मतलब बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स अभी छोटे हुए, और ड्यूडेनम में जैसे ही ये लाइपेज उसके ऊपर जाता है, ये फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसराइड्स में चेंज होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब पहले वीडियो में देख लेना आप, फैट किस में चेंज होता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स में चेंज होता है। तो आप देख लो कि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि
ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? तो याद रखिए, ट्रिप्सिन पैनक्रियास से निकलता है। किस पर एक्ट करता है? प्रोटीन पर एक्ट करता है। अमाइलेज हमेशा हमेशा आपको याद होगा कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड पे काम करने वाला लाइपेज कहलाता है। लिपिड मतलब क्या है? फैट है। तो लिपिड पे काम करने वाला एंजाइम लाइपेज कहलाता है। लिपिड यानी कि फैट, फैट के बगल में लिपिड भी लिख दीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लाइपेज मतलब लिपिड पे काम करता है, लिपिड पे काम करता है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हार्मोन कौन सा, मतलब एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास क्या है। हार्मोन दोस्तों, ये हार्मोन है, ये कहां से सीक्रेट करता है? इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास। ये इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास को क्या कहते हैं? आइसलेट्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं। और आइसलेट ऑफ लैंगरहेंस में दो तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ठीक है दोस्तों। इंसुलिन बहुत ही फेमस हार्मोन है, आपको याद होगा कि जो जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन की का इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन की गोलियां खाते हैं। यानी कि इंसुलिन का काम होता है कि जो भी ब्लड में जो ज्यादा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में डिपॉजिट कर देना होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आपने ये लिख लिया होगा, चलिए मिटा दूं। तो इंसुलिन का काम होता है जो शुगर यानी कि ग्लूकोज ब्लड से लीवर में कौन लेके जाता है? इंसुलिन लेके जाता है। और जब लीवर में जाता है तो इसको कहते हैं, ये बन जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है दोस्तों। ये ग्लूकोज जो ब्लड में था, जो जरूरत से ज्यादा ब्लड था, कहां? ग्लूकोज ब्लड में जो जरूरत से ज्यादा था, इसे वो लीवर में ले जाके ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा कर देता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, याद रखिए। इस ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं? एनिमल स्टार्च, यानी कि रिजर्व फूड होता है। जरूरत पड़ने पर अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, यानी कि ग्लूकोज की कमी हो जाए, तो ये ग्लाइकोजन टूट के फिर से ग्लूकोज में बना देता है। तो दोस्तों याद रखिए कि अब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा। तो यहां तो देखा कि इंसुलिन क्या किया? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? इसको कहते हैं ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। तो ग्लाइकोजन जो लीवर में डिपॉजिट होता है, जो स्टोर्ड होता है, उसको ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज में बदल के ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है, ताकि ग्लूकोज की कमी पूरी हो जाए। तो इसका काम किसका काम है? ग्लाइको ग्लूकागोन का काम होता है, जो कि अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स किसका? आइलेट ऑफ लैंगरहेंस के अल्फा सेल से निकलता है, और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के लीवर में डिपॉजिट कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने पेनक्रियास में देखा कि पेनक्रियास से हॉर्मोन्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन, सॉरी, पेनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। हॉर्मोन्स दो निकले, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। इसलिए चूंकि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही यहां से निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स निकलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से, और एंजाइम निकलता है इंडोक्राइन ग्लैंड से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो दोस्तों जो एंजाइम है, वो एंजाइम जो फूड कहां पड़ा हुआ है, यह है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में आके उसको डाइजेस्ट करता है। ड्यूडेनम में जो फूड है उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ट्रिप्सिन, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करता है अमाइलेज, और जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करता है अमाइलेज, और जो
फैट होता है उसको लाइपेज डाइजेस्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि ड्यूडेनम में प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो गया ट्रिप्सिन से, कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट हुआ अमाइलेज से और फैट भी डाइजेस्ट हुआ लाइपेज से। तो अब देखते हैं जो ड्यूडेनम में जो स्टेट ऑफ फूड है, स्टेट ऑफ फूड जो ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्टेट ऑफ फूड यानी कि काइम आया था, कहां से आया था काइम, स्टमक से आया था, इसमें बाइल मिल गया इसलिए इसको क्या कहते हैं काइल कह देते हैं, क्या कहते हैं काइल कहते हैं दोस्तों। और ये क्या होता है इसका पीएच 6, 7 to 8 होता है, 7 to 8 होता है यानी कि ये बेसिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम तक क्या देख लिया स्टमक के बाद ड्यूडेनम भी देख लिया। दोस्तों ड्यूडेनम के बाद अब क्या होता है मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी हमने देख लिया वो हो गया। आगे अब इसमें से जो भी अनपचे हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पचते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पच गए उनका अवशोषण होता है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अवशोषण होता है जो पचे हुए यानी कि सीधे वो कहां चले जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, उनको ब्लड स्ट्रीम वहां से चूस लेती है यानी कि अपने स्ट्रीम में लेके चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट पच के ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को भी ले लिया, पेप्टोन्स को भी ले लिया, एमिनो एसिड्स को भी ले लिया, फैटी एसिड्स और ग्लिसराइड्स को भी ले लिया। कौन ले लेता है, सो अवशोषित कर लेता है, ब्लड कर लेता है, कहां कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी पच जाते हैं भोजन उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होने के बाद जो फूड रेस्ट जो बच गया अवशोषण होने के बाद जिसको हम क्या कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं, क्या कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चलाता है लार्ज इंटेस्टाइन में चलाता है, कहां चलाता है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पे मिलता है उसे कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, यही अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिस जो हमारे शरीर में कोई काम आज के जमाने में नहीं करता है। यहां पे पहले जमाने में जब बहुत पहले की बात है जब मानव विकास हुआ होगा उस समय क्या, उस समय यहां पे सेल्युलोज का पाचन होता था, सेल्युलोज का मतलब सेलोफैगस बैक्टीरिया होते थे जो सेल्युलोज को पचाते थे। आज के डेट पे हम लोग सेल्युलोज नहीं पचा पाते हैं तो सेल्युलोज वहां पे पचता है और इसी में किसी तरह से इंफेक्शन या इंफ्लेमेशन हो जाता है तो बीमारी होती है जिसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और चूंकि ये क्या होता है वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द बॉडी है, इसे काट के इसको सर्जरी से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता, लेकिन जब होता है तो अगर इसमें इंफेक्शन हो गया तो बहुत ही कष्टदायक बीमारी होती है, इसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखा हमने कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रिमेनिंग फूड है जो है जो अनडाइजेस्टेड है लेफ्ट ओवर फूड है वो अनडाइजेस्टेड फूड कहां चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में गया और इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ जो अवशोषण जल का अवशोषण करना है उस पूरे जो उसमें है जल को पूरा अवशोषित कर लेता है और इसमें ई कोलाई बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों ई कोलाई बैक्टीरिया, सीरेसिया कोलाई कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं जो कि बचे हुए फूड को मल में यानी कि स्टूल में चेंज कर देते हैं और स्टूल में चेंज करने के बाद ये धीरे धीरे होके एनस से टाइम टू टाइम बाहर हम लोग उसे क्या कर देते हैं डेफिकेट कर देते हैं निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर आपको दोस्तों कोई किसी भी तरह का शक रह गया हो, किसी तरह का डाउट रह गया हो और कुछ क्लेरिफिकेशन चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि बेस्ड ऑन योर कमेंट एंड फीडबैक वी कैन मेक वन मोर वीडियोस इफ इट इज रिक्वायर्ड, वी विल डू इट फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम। बिकॉज अभी हम लोगों को डिटेल में पेनक्रियास को भी पढ़ना है, डिटेल में स्प्लीन को पढ़ना है, लीवर को पढ़ना है, किडनी को पढ़ना है, हार्ट को पढ़ना है, बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स को भी पढ़ना है। तो दोस्तों उस दौरान इसकी चर्चा भी हम लोग कर लेंगे। दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि कोई सवाल अगर आपका अनआंसर्ड रह गया होगा या कोई क्वेश्चन अभी तक रह गया होगा तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज पुट
your questions in the comment box so that we will be answering that questions in the next video. दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि ये सब जगह सर्कुलेट हो. ठीक है दोस्तों. दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, बिकॉज जो तीसरा वीडियो आने वाला है इस तीसरा वीडियो एकदम क्वेश्चन से भरा हुआ होगा पूरे. दोस्तों अगर आपने का ध्यान से नहीं दिया तो क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे दोस्तों. ठीक है. और अगर कुछ आपके पास अभी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उन क्वेश्चंस को भी मैं आने वाले वीडियोस में जरूर इंक्लूड करूंगा. आने वाले वीडियोस में अच्छे अच्छे सवाल होंगे दोस्तों, वो सवाल यूपीएससी में भी पूछे गए होंगे, एसएससी में भी पूछे गए होंगे, रेलवे में भी पूछे गए होंगे, सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए होंगे दोस्तों. उन सारे स्रोत से मैं सारे प्रश्न को कलेक्ट करूंगा और फिर अगला वीडियो बनाऊंगा. ठीक है दोस्तों. तो आपका भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. ठीक है दोस्तों. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.